साथियों जय हिंद। साथियों आज का आपका करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर में आपको आज लेक्चर डाल रहा हूँ। थोड़ी हेल्थ इशू थी इसलिए अभी तक लेक्चर नहीं कंटिन्यूस मिल रहे हैं, लेकिन जल्दी मिलने लगेंगे आपको। तो अभी वीकली करंट अफेयर डाल रहा हूँ जिससे आपको जो हफ्ते की जो मेन मेन हाइलाइट्स हैं आपको एटलीस्ट उसका अपडेट होता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा मोटिव, तो आप जानते हैं प्रेजेंटेशन टू एनहांस योर नॉलेज, कैलिबर अड्डा इसलिए नाम है इसका। लाइक करिए प्लीज़, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। उसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन है, उसको देखिए आप। पहला है हु विल गिव भूमि सम्मान 2023 न्यू दिल्ली एंड टू होम, किसने भूमि सम्मान 2023 न्यू दिल्ली में दिया एंड टू होम किसको दिया। तो हमारे जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने दिया है भूमि सम्मान। ये आपको देख रहे हैं जो, तो आप उनको पहचानते ही होंगे। तो कौन कौन दिया है, तो किसको दिया है, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति हमारी इस समय हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके बारे में आप बेहतर जानते हैं तो उनकी बताने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो आते हैं मुद्दे पे। तो भूमि सम्मान, भूमि सम्मान का मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे तो भूमि सम्मान का मतलब क्या है 2023 में जो गिवन किया गया है, तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये 18 जुलाई को जो है राष्ट्रपति महोदया ने जो प्रदान किया है आपका भूमि सम्मान। भूमि सम्मान है क्या, जैसे नाम से है आपका भूमि सम्मान, तो इसके अंतर्गत जो है कि भूमि अभिलेखों को पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलों के जिला कलेक्टरों और 9 सचिवों को भूमि सम्मान प्रदान किया। किसने किया, 68 जिलों के जिला कलेक्टर और 9 जो हैं 9 सचिव को भूमि सम्मान प्रदान किया गया। किसने प्रदान किया, हमारे राष्ट्रपति महोदया ने। तो प्रेसिडेंट आपके जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी विल प्रेजेंट इट टू 9 स्टेट सेक्रेटरी एंड 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अलॉन्ग विद देयर टीम फॉर सेलिंग इन अचीव सेचुरेशन ऑफ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। जो लैंड डिजिटलीकरण किया गया है, जो मतलब एक ही क्लिक में पूरी जानकारी जो होती है, तो एक टीम को दिया गया है 68 जिलों के आपके जो कलेक्टर हैं उनको दिया गया है सम्मान। तो श्री गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भूमि सम्मान योजना जो है ये विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र राज्य सहकारी संघवाद का एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस मतलब भूमि कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण में जो श्रेणी प्रणाली मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट पर आधारित है, तो इसमें क्या था कि बड़े पैमाने पर भूमि विवाद की प्रक्रिया सॉल्व हो जाएगी। इससे भूमि विवाद कम होंगे क्योंकि डिजिटल पूरा उपलब्ध है। तो इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, सार्वजनिक वितरण, जितनी लाभ मिलना चाहिए किसानों को त्वरित इसमें लाभ उपलब्ध हो जाएगा। भूमि के बारे में पूरी जानकारी, उसके कौन उसका आनर है उसका पूरी जानकारी, तो पूरे भारत में कितना 94% डिजिटलीकरण का लक्ष्य अभी तक हासिल कर लिया गया है। तो ये आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए कितने पूरे इंडिया में अभी तक जो है 94% जो है लक्ष्य जो है हासिल हो गया है डिजिटलीकरण का। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है गिरिराज सिंह ने ये बताया है। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च द CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई को अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, और इसमें क्या है मेन चीज, पहले छोटे निवेशक जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जिनका पैसा फंसा है सहारा में, तो छोटे निवेशक जो पहले 10,000 तक के जो निवेशक हैं वो पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस पोर्टल पर। मतलब जो
गरीबों का जो पैसा फंसा है उसको निकालने के लिए स्कीम शुरू की गई, पोर्टल शुरू किया गया। तो कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इन इट्स आर्डर डेटेड 29 मार्च 2023, जो SC का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, ट्रांसफरिंग 5,000 करोड़ आउट ऑफ द सहारा सेविंग रिफंड अकाउंट द सेंटर द स्टार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। CRCS का मतलब है सेंट्रल स्टार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको फॉर डिसबर्समेंट अगेंस्ट द लेजिटिमेट ड्यूज ऑफ द जेन्यून डिपॉजिटर जो है सारा ग्रुप में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो उनको लौटाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। सॉरी, तो इसमें ये बताया गया है कि 10,000 तक जो निवेशक हैं पहले वो अप्लाई करें, उसके बाद उसके ऊपर के निवेशक को पैसा लौटाया जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज है, जिनका पैसा फंसा है उनके लिए लॉटरी जैसा है, फंसा पैसा निकलने का उम्मीद जगी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट विल नॉट होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आयोजित मतलब जो करने जा रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स, उसने क्या है, उसने कहा कि इसमें डबल इकोनॉमी हमारे मतलब डबल पैसा लग रहा है। तो सॉरी तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया स्टेट जो है ड्यू टू प्रोजेक्टेड एक्सीडिंग एक्सपेंडिचर, मतलब वे इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है इस प्रोजेक्ट में, जितना मतलब उसने किया था अनुमान गेस्ट के ज़्यादा डबल हो रहा है, मोर देन ट्वाइस द एस्टिमेट इकोनॉमिक बेनिफिट द गेम शुड ब्रिंग टू द स्टेट विक्टोरिया स्टेट इन द साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो उसने जो है तो विक्टोरिया जो है स्टेट साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब कि आपका दक्षिण पूर्वी जो भाग है, कैपिटल मेलबोर्न है। तो उसने क्या किया, क्या नॉट होस्ट जो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को नहीं होस्ट कर पाएगा, इसने मना किया है। ये अच्छी न्यूज है आपके लिए, तो आप जो आएगा कौन करेगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अकॉर्डिंग टू विक्टोरिया स्टेट प्रीमियर डेर एंड्रयू द कॉस्ट ऑफ द गेम्स वाज गोइंग मोर देन ट्वाइस द एस्टिमेटेड, मतलब डबल होने जा रहा कॉस्ट के कारण ये डिसीजन लिया है उसने। विच कंट्री लॉन्च, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मिथेन पावर्ड रॉकेट। तो कौन लॉन्च कर सकता है आप बताइए, मिथेन पावर्ड रॉकेट, इसके बारे में आपने पहली बार सुना होगा, मिथेन का पावर रॉकेट पहली बार कौन कंट्री लॉन्च कर रहा है। तो मीथेन पावर तो ये कौन हो सकता है, चाइना है आपका, चाइना जो है, तो इसने जो है ये लॉन्च किया है, आपका पहला देश बन गया है। सॉरी साथियों, अभी जो है हमारे गले के इन्फेक्शन दूर नहीं हो रहा, इलाज चल रहा है, इसलिए अभी प्रॉपरली जो है वो नहीं आ पा रहे हैं वीडियो, माफ़ करना साथियों, गले का इन्फेक्शन है इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं और कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं आ पा रहा। तो चाइना ने किया है, सॉरी साथियों, इन्होंने दुनिया के पहले मीथेन संचालित रॉकेट को कक्षा में भेजने के लिए एकजुट हुआ, इसका नाम जीव क्वान है, जीव क्वान। 21 जुलाई को JCL के नारे हरित शक्ति को जीवन में लाने को ध्यान में रखते हुए ZQ2Y2 JCL सिस्टम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है के सहयोग से लैंड स्पेयर द्वारा निर्मित एक मीथेन ईंधन वाला रॉकेट जो है चाइना ने लॉन्च किया है। तो चाइना ने लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट, नेम्ड क्या है आपका, इसका नेम आप याद रखिएगा, जीव क्वान है, जीव क्यू सेकेंड नाम है, जुके सेकेंड भी इसको कहते हैं, जुके सेकेंड ZQ2Y2 द्वारा लॉन्च किया गया, जुके टू भी कहते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे, जुके टू। तो हिंदी वाले भी नाम नोट कर लें, तो पढ़ने में इसमें आपको चाइनीज शब्द हैं दिक्कत हो सकती है, जुके टू लॉन्च किया गया। तो पहला लॉन्च किया गया, इट यूज मीथेन एज अ फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज द ऑक्सीडाइजर, लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन के यूज से द रॉकेट सक्सेसफुली डिलीवर्ड इन टेस्ट पेलोड इनटू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO में जो है ये जो है डिलीवर किया गया सफलतापूर्वक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाइना ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, तो चाइना ने किया है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया चाइना, तो चाइना लॉन्च्ड
वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट नेम्ड जुकेटू, जुकेटू नाम, यानी सेकेंड अटेम्प्ट में इसने ये लॉन्च कर पाया। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, तो कौन लॉन्च किया, तो आप देख रहे हैं किसने लॉन्च किया है, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं जान पा रहे हैं तो गेस करिए कौन लॉन्च करता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो पावर्टी इंडेक्स जो है हमारा कौन लॉन्च कर सकता है, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो नीति आयोग कौन हो सकता है, तो ये आपका है नीति आयोग, हमारा नीति आयोग है। तो सुमन बेरी जो इसके जो है चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उन्होंने लॉन्च किया है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। जो क्या होता है इसमें, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मॉर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, एयर सोफ, स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग असेट्स एंड बैंक अकाउंट्स आर इट्स 12 इंडिकेटर्स के साथ ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स लॉन्च किया है सुमन बेरी ने। तो सुमन बेरी आप जानते हैं कौन है, वाइस चेयरमैन नीति आयोग के। नीति आयोग कब से काम कर रहा है आपको पता है, 2015 से, जनवरी 2015 से काम कर रहा है और योजना आयोग की जगह उसका गठन हुआ था। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल जो है आपका, अब मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कितने 12 इंडिकेटर्स हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं। तो 12 इंडिकेटर्स, राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार तो इसमें 12 इंडिकेटर की सहायता से लॉन्च किया गया है। इसमें ज़रूरी ये है कि आपको न्यूट्रिशन, चाइल्ड, एडोलेसेंट, ये सब आपका इसके बारे में जानकारी होना जरूरी चाहिए। तो ये सुमन बेरी वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसीलिए कहा गया है, इसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड अमल 12 इंडिकेटर्स की सहायता से इसका इंडेक्स निकाला जाएगा आपका। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर, क्रेडिट गारंटी स्कीम किसने लॉन्च किया है आपका, क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या होता है, पहले बात इसको ये आपको जानना है कि क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन में अगर चलिए तो उसमें ये भी देख लीजिए कि ये जो नीति आयोग ने जारी किया है इसमें, उसमें ये दावा किया गया कि इसमें कुछ रिजल्ट बता देते हैं आपको कि कुछ ही सालों के भीतर 13.5 करोड़ के आसपास आबादी जो है बहुआयामी गरीब नहीं रही है, मतलब 13.5 करोड़ जो लोग इससे गरीबी से बाहर हुए हैं। तो ये इसकी ये जानकारी आप नोट कर लीजिए, 13.5 करोड़ जो लोग हैं गरीबी रेखा से बाहर हुए, लोग गरीबी रेखा के बाहर, रेखा के ऊपर आए, ऊपर आ गए हैं। तो ये मेन इसका फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है, वो लॉन्च फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर किसने लॉन्च किया है, तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी आर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ने जारी किया है, बहुत बड़ा नाम है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग आर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया फर्स्ट, पहली बार सबसे पहले। तो इसका एम क्या है, द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड फैसिलेट द स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एमएसएमई इन्वॉल्व इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर। एमएसएमई क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके सेक्टर को गति देने के लिए ऐसा किया गया है।
तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है क्रेडिट गारंटी स्कीम जो पहले लागू की गई है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एमएसएमई को स्टेट मतलब गति प्रदान करने के लिए, उनको विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट 69th फिल्म फेयर अवार्ड इन 2024। कौन फिल्म फेयर 69 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड गुजरात करेगा? तो गुजरात टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द हैज साइंड एमओयू विद द वर्ल्ड मीडिया टू होस्ट द इवेंट एंड टू प्रमोट द स्टेट एज अ फिल्म डेस्टिनेशन। तो गुजरात के बारे में आप जानते हैं कि गुजरात हमारा बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था का जो है राज्य है, भारतीय राज्य है। तो इसमें अभी भारी बारिश हो चुकी है वहाँ पे, तो उसके बारे में अगर जानना चाहिए तो गांधीनगर जो है गुजरात की हमारी राजधानी है और भारत का पश्चिमी राज्य है या उत्तरी सीमा, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगी हुई है आप जानते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके उत्तर या उत्तर पूर्व के राज्य हैं, महाराष्ट्र इसके साउथ में है, अरब सागर इसके किधर है वेस्टर्न और साउथ का बॉर्डर बनाता है अरब सागर, इसकी दक्षिण सीमा पर दादरा और नगर हवेली है। तो गुजरात जो है राजधानी गांधीनगर है और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन कौन मालूम होना चाहिए, तो गांधीनगर जो है यहाँ की राजधानी आपकी गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल सीएम है, आचार्य देवव्रत जो हैं गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत पेन सही नहीं चल रहा है साथियों, देवव्रत जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं आपके, राज्यपाल जिनको कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है हमारा, रीजन वेस्ट इंडिया में आता है। सॉरी दोस्तों, अगर देखेंगे तो इसका आप समझेंगे गुजरात नाम क्यों पड़ा, तो गुर्जरत्रा से शब्द से आया है कि गुर्जर साम्राज्य था 6वीं शताब्दी से 12वीं सदी तक, नाम से गुर्जरत्रा के नाम से जानता था गुर्जरों मतलब गुर्जर इसके जो यहाँ राज किया करते थे। तो राजशेखर जो यहाँ के गुर्जर प्रचार वंश का जो प्राचीन महाकवि थे, उन्होंने इसको इसका संबंध सूर्यवंश और रघुवंश से बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। कौन बने हैं यंगेस्ट पर्सन, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। तो आयुष्मान झिंगरन जो हैं प्राण नवी मुंबई के जो हैं वो बने हैं आपके यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। ये केवल 18 साल और 125 दिन के हैं, तो इनकी बस ये याद रखिए क्योंकि यंगेस्ट हैं और ज़्यादा इनके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं। 18 years and 125 days ये आ सकता है कितने दिन के हैं यंगेस्ट। तो ये इनका नाम आयुष्मान झिंगरन, इन्होंने जो नवी मुंबई के हैं इन्होंने कारनामा किया है। ये हैव बीन ट्रेंड अंडर द छत्रपति एवार्डी कोच गोकुल कामत ने इनको ट्रेंड किया था। और नॉर्थ चैनल लोग कहाँ है आपका, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसके बीच में है। कंसिडर टफेस्ट ऑफ द ओशन सेवन स्विम्स, जो है टफेस्ट सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है आपका इसको पार करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्च ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो आप इनको देख रहे होंगे कहाँ के सीएम हैं, तो भूपेश बघेल का नाम आपने सुना होगा। तो भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने ग्रामीण आवास न्याय योजना को लॉन्च किया है। तो ये योजना इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना जो है आपको छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च की गई, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अनाउंस किए हैं। एम्बिशियस रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट उन्होंने 19 जुलाई को अनाउंस किया है कि जो योजना है गरीबों के आवास के लिए है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते हैं क्या है छत्तीसगढ़,
तो ये भी जो है हमारा ये राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। ये 26वां राज्य बना था भारत का, पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत था, बाद में ये जो है 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया था मध्य प्रदेश को ये राज्य। तो इसमें क्या पहले कहते हैं कि एक एक समय में यहाँ छत्तीसगढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, इसका नाम छत्तीसगढ़। उसके ऊपर इसकी राजधानी कैपिटल क्या है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ की अगर कैपिटल देखें तो कैपिटल जो है यहाँ की रायपुर है, रायपुर कैपिटल है। भूपेश बघेल सीएम है, और बिश्वभूषण हरिश्चंद्र जो यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं आपका। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ कितने हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, और सेंट्रल इंडिया का ये भाग है आपका, इतना इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये ग्रामीण आवास न्याय योजना का एम क्या है, टू प्रोवाइड होम टू द होमलेस रूरल पीपल इन द स्टेट, फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द्वारा फंड किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, जिनके पास घर नहीं उनको घर देने के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट विल रिसीव इंडिया फर्स्ट सेटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। किस स्टेट ने आपके ये आपका रिसीव किया इंडिया फर्स्ट सेटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, तो गुजरात ने ही। गुजरात 19 जुलाई लंदन बेस्ड कंपनी वन वेव एंड गुजरात गवर्नर गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक MOU साइन किया है, गांधीनगर में समझौता साइन किया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट नियर महसाना, महसाना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये साइन किया गया है। बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट सेटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है, इसलिए आपको याद रखना है। स्टेट क्या, गुजरात के बारे में अभी आपको हम जानकारी दे चुके हैं पहले, गांधीनगर है जो, और जो है आपके भूपेन भाई पटेल यहाँ के क्या है, CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज्ड ऑन जुलाई 18। तो इंडिया की रैंक बढ़ गई है, और जापान भी फिसल गया अपने स्थान से, वहाँ उसका स्थान सिंगापुर ने ले लिया है। तो पहले जापान नंबर 1 था, तो ये फिसल लुढ़क गया है, तो इंडिया के रैंक अब 87 से 80 आ गई है। सॉरी दोस्तों, गले में इन्फेक्शन पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये जो 80 हो गई है, अब 57 डेस्टिनेशन विदाउट अ वीज़ा के हम 57 देशों में भ्रमण कर सकते हैं, तो मजबूत स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं। सिंगापुर हैज ओवरटेकन जापान टू क्लेम द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, अलाउइंग पासपोर्ट होल्डर्स वीज़ा फ्री एंट्री। तो सिंगापुर जो है 192 227 डेस्टिनेशन में से 192 जगह जो इसका पासपोर्ट मान्य होता है, बिना वीज़ा के आप फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो सिंगापुर जो है हम ओवरकम किया है, किसको, जापान को पछाड़ के नंबर 1 आया है। तो आप ये याद रखिएगा, तो सिंगापुर, तो सिंगापुर की फर्स्ट रैंक हो गई है, किसके जगह पे, जापान को इसने ओवरकम किया, जापान को। और इंडिया की रैंक कितनी हो गई, 80 हो गई, आप 87 से 80 हो गई, 7 पायदान ऊपर आया है। 57 डेस्टिनेशन में इंडिया का वीज़ा जो है मान्य है, पासपोर्ट आपका विदाउट वीजा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च्ड। तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया को इनरिच करने के लिए, तो कहाँ लॉन्च किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो अमरावती इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र में अमरावती है, वहाँ लॉन्च किया गया है आपका, तेलंगाना में समझ लेना। तो इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल स्टेटेड एंड PM मित्रा पार्क वुड फर्दर स्ट्रेंथन द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ महाराष्ट्र। इंडिया फर्स्ट मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ लॉन्च किया गया, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था, अब ये लॉन्च किया गया कहाँ पे, तो पहला कहाँ लॉन्च किया गया था होना चाहिए, फर्स्ट लॉन्च किया गया तमिलनाडु में, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट मेगा पार्क तमिलनाडु लॉन्च किया गया, और ये जो नया अभी किया गया है अमरावती, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, सॉरी ये अमरावती में लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र में, विदर्भ रीजन में।
पीयूष गोयल द्वारा जो है लॉन्च किया गया। पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर जो है काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी अच्छी मिनिस्ट्री संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री रिपोर्टेड 52.6 सेल्सियस रिकॉर्ड टेम्परेचर इन मिड जुलाई। तो गर्मी में आप जान रहे हैं आजकल कितनी उमस है, कितनी गर्मी है। अब हम लोग जाते हैं स्कूल में, बच्चों को देखते हैं पसीना पसीना होते हैं। हम लोग बताइए इतनी गर्मी में पढ़ाने में क्या लाइट नहीं रहती, गाँव में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चे उधर पसीना पसीना, टीचर उधर पसीना पसीना, ज़्यादा खाना खा ले उल्टी पुल्टी करने लगे। अभी पता पेपर में आया कितने लोग बेहोश हो गए, कितने बच्चे। लेकिन गवर्नमेंट को क्या चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी वो क्या पढ़ाएंगे, 6 घंटे बैठा ले रहो वहाँ पे, पढ़ें या ना पढ़ें। तो टाइमिंग का कोई मतलब वो नहीं है। तो इसलिए अब देखिए जुलाई में चाइना में 52.2 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर, रिकॉर्ड तोड़ा। पहले 2017 में अपना रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया है। जुलाई 2017 में 50.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अब सिंगजियांग में चाइना में अब इसने रिकॉर्ड तोड़ा है 52.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिड जुलाई में। तो ये जरूर याद रखिएगा, चाइना में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा इसने, कितना हुआ था 50.6 जो डिग्री टेम्परेचर था इसका, सेल्सियस टेम्परेचर जो था ये आपका, वो जुलाई 2017 का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है आप कितना 52.2 डिग्री सेल्सियस, बहुत होता टेम्परेचर इसमें। कोई एसी ओसी काम नहीं करता है, एसी आपका मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस, 50 से कम डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एसी भी काम नहीं करता, आप समझ लीजिए कितना जीना मुश्किल हो जाता लोगों का। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। अब वहाँ क्यों, चाइना में आप कहेंगे क्यों, और कहीं क्यों नहीं इतना हुआ, क्योंकि जो ज़्यादा डेवलप कर रहा है, जिसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा विकास के क्षेत्र में पर्यावरण को ध्यान नहीं दे रहे हैं उतनी, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, टेम्परेचर जो ग्रीन पर्यावरण को नष्ट कर रही हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन कर रही हैं, तो वो मिथेन वगैरह का, CO2 वगैरह का, तो चाइना इसमें आगे है। तो विकास के रेस में भूला जा रहा है कि अपने कंट्री का भी तो संभालें, क्या करोगे ऐसे विकास का, सब लोग जल के भून के मर ही जाएंगे वहाँ पे। तो ये भी देखना आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हु डिड यूपी गवर्नमेंट अपॉइंट एज चीफ यूपी ईआरसी। तो अरविंद कुमार को अपॉइंट किया है यूपी गवर्नमेंट ने। अरविंद कुमार रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, 15 जुलाई हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन, अपॉइंट किया गया इनको उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में। कहाँ, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मतलब उत्तर प्रदेश में विद्युत की हालत को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी व्यवस्था करने के लिए इनका चेयरमैन बनाया गया है। राज प्रताप सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून को अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। अभी रिटायर हुए थे जल्दी, IAS थे अरविंद कुमार के, अच्छे IAS हैं, IAS अफसर। तो अभी 4-5 साल का कार्यकाल लगभग अभी अपना देंगे, 65 साल तक उम्र तक ये रह सकते हैं, 4.5 साल 5 साल के बीच में इनका कार्यकाल रहेगा। तो इसको, इनको अरविंद कुमार जी को यूपी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है चीफ ऑफ यूपी ईआरसी, मतलब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चीफ नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार जी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पार्टीज हैव कम टुगेदर टू फाइट द लोकसभा इलेक्शन। मोदी जी को हराने के लिए, भारतीय जनता को हराने, पार्टी को हराने के लिए, राजग को सत्ता से बेदखल करने के लिए 26 पार्टियों ने, विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए इंडिया नाम की पार्टी का गठन किया है। इसमें आपको चेहरे बहुत दिख रहे हैं, ये सब हैं आपके, लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल हैं, ममता जी हैं, और आपके शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और आपको बहुत लोग जितने चेहरे दिख रहे हैं, ये सब चेहरे जो हैं ये सब अगेंस्ट में आए हैं, इंडिया नाम की पार्टी बनाए हैं 26 पार्टियों में लिखे। तो 26 अपोजिशन पार्टीज फॉर्म द नेशनल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा साथियों, पूछा जा सकता है क्योंकि नए पार्टी गठन इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट
आपका डेवलपमेंट, सॉरी डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, इंडिया, इंडिया नाम दिया गया है। दिस आर द सेकेंड कॉन्क्लेव अपोजिशन पार्टीज। फर्स्ट अपोजिशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन पटना ऑन June 23rd, विच आर अटेंडेड बाय लीडर्स ऑफ ओनली 15 पार्टीज। बाद में ये जो दूसरा शुरू किया गया 26 अपोजिशन पार्टी ने हिस्सा लिया, उन्होंने मिलकर पार्टी का गठन किया है कि इस बार राज्य के विरोध में 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन लड़ा जाएगा उसके विपक्ष में ये 26 पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी और राजग को हराने के लिए मोदी सरकार को बेदखल करने के लिए पूरा एंडी चोटी का जोर लगाएंगी। तो इसमें मुलायम सिंह यादव के जो लड़के हैं आपके जो भूतपूर्व सीएम हमारे अखिलेश यादव भी भाग ले रहे हैं। सभी पार्टियां सभी हैं विपक्षी मेन मेन रीजनल पार्टियां सभी मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दखल करने के लिए ये देखो कितना सफल होती है। तो साथियों ये रहा आज का हमारा लेक्चर, आशा है आपको कि पसंद आया होगा हमारा लेक्चर। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, गले में इन्फेक्शन रहा इसलिए लेक्चर आपको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, हमें बहुत दुख है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और जल्दी जल्दी आपको अच्छे अच्छे लेक्चर मिलेंगे। अब हम हर एक सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेनेशन वाइज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं पहले डालेंगे, आप एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, लगातार आप कैलिबर एकदम बने रहिए और आपको ट्रिक के माध्यम से आप हमारे शॉर्ट देखिए, ट्रिक के माध्यम से आप अच्छी चीज़ों को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर पाएंगे, उसको याद कर पाएंगे। साथियों आपका प्यार ऐसे बना रहे, जय हिंद साथियों और धन्यवाद साथियों।